मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रोजेक्ट आईओटी मालवेयर अटैक डिटेक्शन कैसे रन करना है। पहले तो मैं आपको स्पाइडर पे दिखाऊंगा। आपके सिस्टम पे अगर कोड दिया होगा यहाँ पे, तो पाथ तक जाना है, आईओटी अटैक के पाथ तक। फिर ऐप डॉट पाई ओपन करना है। ये ऐप डॉट पाई ओपन होगा, फिर यहाँ पे रन ऑप्शन रहेगा, उसे रन कर दें। आपको लोकल होस्ट कोलन 5000 डालना है, तो यहाँ पे लोकल होस्ट कोलन 5000, फिर लॉगिन करना है, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, फिर यहाँ पे पासवर्ड। आप रजिस्टर भी कर सकते हो, तो रजिस्ट्रेशन भी होगा। जैसे ही लॉगिन हो जाता है, फिर प्रेडिक्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट मालवेयर डिटेक्शन है। तो हमने क्या किया हुआ है अभी, जैसे ये स्टार्ट मालवेयर डिटेक्शन पे क्लिक जाता है, तो यहाँ पे आपको इतने सारे फोल्डर टू प्रेडिक्ट दिए गए। आप यहाँ पे वायरस रख सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैं मेरे सिस्टम को हार्म नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने वायरस रखा नहीं है यहाँ पे। आपको यहाँ पे जैसे स्टार्ट मालवेयर डिटेक्शन करते हो, तो पूरे फीचर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, फीचर्स एक्सट्रैक्ट होकर आउटपुट में प्रेडिक्शन के लिए जाते हैं। और हमने ये आपको दिखाया हुआ भी है। आप जब अगर इसका इसका अगर ये दिखाओगे कि मालवेयर डिटेक्शन में प्रेडिक्ट मालवेयर में, तो आउटपुट एक्यूरेसी आया भी हुआ है आपको यहाँ पे। आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि प्रेडिक्शन कितना हुआ है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है नेवबेस का, तो मालवेयर कितने हैं और नॉन मालवेयर कितने हैं, तो आप ये दिखा सकते हो। अगर आपको वायरस रखना है, तो आप वायरस इस फाइल में फोल्डर टू प्रेडिक्ट में रख सकते हो, जो कि आइडेंटिफाई होगा डेटा सेट में होगा, तो वो करेक्टली आइडेंटिफाई होगा। नहीं होगा तो आपको उसे अपेंड करते जाना है, क्योंकि नया वायरस होगा, नया वर्जन का होगा। अगर समझ लीजिए skype.exe जो है, अभी यहाँ पे इसका आउटपुट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए आउटपुट ऐसे देखेगा। एपिक को लेजिट बोल रहा है, ऑप स्टूडियो को लेजिट बोल रहा है, स्काइप को लेजिट बोल रहा है, टी सेटअप को लेजिट बोल रहा है, इसको लेजिट बोल रहा है, तो सबको लेजिट बोल रहा है। अभी इसमें आपको अगर अभी ये स्काइप को भी अगर आपको वायरस दिखाना है, तो आपको क्या करना होगा कि नया वर्जन है या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, तो वो फोल्डर टू प्रेडिक्ट में यहाँ पर डालनी है। जैसे आप ये करोगे, उसके बाद क्या होगा कि आपका जो फाइल प्रेजेंट नहीं है, उसे वो वायरस दिखाएगा, क्योंकि वो ट्रेन किया हुआ नहीं है। तो वो ट्रेनिंग के बाद आपको अल्गोरिदम से प्रेडिक्ट होके आउटपुट दे देगा कि ये वायरस दिखा रहा है, क्योंकि अगर ये इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मीनिंग है कि ये वायरस की तरफ जा रहा है। अगर और दूसरा चीज़ है यहाँ पे, आपको अगर समझ लीजिए कोई नॉन वायरस को वायरस दिखाना है, तो आपको यहाँ पे डेटा में जाना है। डेटा में जो भी वैल्यूज़ है यहाँ पे, उसके वैल्यूज़ को 1 कर देना। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है। एक मिनट, ये ओपन होने दीजिए। देखिए ये ओपन हुआ है। इसमें आपको लेजिटमेट करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ये 1 की जगह 0 करोगे, और पहले स्काइप सर्च करोगे, मैंने एंड में स्काइप डाले हुए हैं, तो ये वाले को अगर मैं 0 कंसिडर कर देता हूँ, तो उसको यही फ़ीचर मिलने वाले हैं, ये वाले फ़ीचर ही मिलने वाले। तो अगर ये फ़ीचर इसको मिल जाते, तो वहाँ पे रन होते टाइम आपको वो skype.exe को जो है प्रेडिक्शन के टाइम बताएगा कि मालवेयर डिटेक्ट हुआ है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, एपिक को 1, स्काइप को 1 1 1, यहाँ पे 0 दिखा रहा है। 0 मतलब वायरस है, किसको? वायरशार्क को, क्योंकि वो तभी ट्रेन नहीं किया था मैंने। तो यहाँ पे जूम को भी वो 0 दिखा रहा है, मतलब वायरस दिखा रहा है। जैसे ये डेटा ट्रेनिंग में चला जाता है, ये पूरा वो ट्रेनिंग में बता देता है कि आपको जो आउटपुट है वो 0 के पोजीशन पे आ रहा है कि 1 के पोजीशन, लेजिटिमेट है कि मालवेयर है। तो उतना पार्ट आपको बताना है। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉल कैसे रन करना है आपको रास्पबेरी पाई में। तो ये आईपी एड्रेस डाला हुआ है, कनेक्ट होगा यहाँ पे, यूज़र नेम पाए PI टैब, फिर पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, ओके। फिर आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग में जाना है, यहाँ से थोनी पाइथन ID क्लिक करनी है। जैसे क्लिक करोगे ये ओपन होगा। इसमें ओपन पे क्लिक करके आपको
यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट रखा होगा IoT अटैक, यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें आपको ऐप डॉट पाई को रन करना है, तो आपके इसमें वो रन हो जाएगा। मेरे यहाँ पे मैंने जस्ट उसका सेटअप लिया हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम जाएगा आपके इसमें रन होने वाला ये चीज़। फिर ऐप डॉट पाई यहाँ पे लॉन्च करोगे, इसका जो भी IP एड्रेस है 192.168.0.109 वो आपके सिस्टम में डालोगे। यहाँ पे 192.168.0.109:5000, तो आपके सिस्टम में ये पूरा रन होगा और ये ऐसा आपको UI दिखेगा। और यहाँ पे प्रेडिक्शन पे मालवेयर एक फोल्डर में रखे हुए हैं, आप वहाँ पे वायरस रख सकते हो, लेकिन सिस्टम को इशू हो सकता है उससे, और आपको जिसे प्रेडिक्शन करनी है।